नमस्कार, मैं अंजनी कुमार सिंह, देश के नंबर वन डिबेट शो देश को जवाब दो में आपका स्वागत करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव में कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज एक ही रंग है। आसमान हो या जमीन, पानी, हर जगह तिरंगा ही तिरंगा लहरा रहा है। लेकिन जब देश अपने शहीदों को याद कर रहा है, नमन कर रहा है, तो कुछ लोग सियासत की रोटियां सेक रहे हैं। ओवैसी ने शहीदों का धर्म याद दिला दिया, तो आज देश भर में हजारों मुसलमानों ने उन्हें याद किया कि तिरंगा उनके दिलों में। दूसरी तरफ मोहन भागवत ने एक बार फिर से अखंड भारत पर बड़ा बयान दिया। भागवत ने कहा, जब हम डरना छोड़ देंगे तो अखंड भारत बन जाएगा। देश को जवाब दो में आज इसी मुद्दे पर हम सवाल उठा रहे हैं, और सवाल ये भी है कि राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीकों पर धर्म की सियासत क्यों हो रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी के जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। और सवाल ये कि शहीदों के धर्म का मुद्दा उठाना ओवैसी का मुस्लिम कार्ड है क्या? आखिर इसकी जरूरत क्यों आ गई? वोट बैंक के लिए नफरत का खेल कब तक चलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अखंड भारत के भागवत प्लान से कौन परेशान है भाई? कौन डर रहा है और क्यों डर रहा है? और ये बड़ा सवाल है, और इसी सवाल के जवाब को आज हम तलाशेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे, लेकिन उसके पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं। ये हिंदुस्तान है, बच्चे हो या युवा, हर हाथ में तिरंगा उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो इस देश को धर्म के नाम पर बांटने की साजिश रचते आ रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान में पूरा देश रंग चुका है। हरियाणा के मेवात में सैकड़ों मदरसा छात्रों ने हाईवे पर तिरंगा यात्रा निकाली। हाथों में तिरंगा थामे इन छात्रों के दिलों में वही जज्बा था जो आज पूरे देश में दिखा। सिर्फ बच्चे ही नहीं, मुस्लिम समाज की महिलाएं भी तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। उनका जोश किसी से कम नहीं। आज हमें बहुत ज्यादा फख्र महसूस हो रहा है। इससे ज्यादा आज के दिन खुशी है कि हमें ये त्योहार जैसा आज 75वां वर्षगांठ मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव में पीएम मोदी की अपील के बाद मुस्लिम समाज के लोग भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि चंद लोग भले ही धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कितनी भी कोशिश करें, इस देश के हर मुसलमान के दिल में तिरंगा बसता है। देश अपने शहीदों को याद कर तिरंगे को सलाम कर रहा है, तो इस मौके पर भी कुछ नेता सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है असदुद्दीन ओवैसी का। भारत का माजी कहता है कि मुसलमान इस मुल्क की आजादी के लिए सबसे ज्यादा अपना खून बहा, इस माजी पर भी तुमको पकड़ करना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी भूल गए हैं कि आजादी की लड़ाई में शहीद होने वाला हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई नहीं, बल्कि भारत माँ के बेटे थे। ओवैसी के इस बयान को इन तस्वीरों ने सच्चाई का आईना दिखा दिया है। खुद को मुसलमानों का पैरोकार बताने वाले ओवैसी को ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। एक तरफ ओवैसी अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से अखंड भारत पर बड़ा बयान दिया है। भागवत ने कहा है, जब डरना छोड़ दोगे तब अखंड भारत होगा। अखंड भारत की बात करते तो डरने की क्या बात है, लोग डर जाते हैं। कब होगा? डरना छोड़ देंगे तब होगा। विवादित बयान ओवैसी की पहचान बन चुके हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ कुछ वोटों के लिए शहीदों का अपमान स्वीकार किया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज पूरे देश में हर घर में तिरंगा लहराया जा रहा है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, हर कोई आज देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि कुछ हमारे राजनेता इसको भी जाति धर्म के तराजू में तौल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि एक धर्म के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको भुला दिया जा रहा है। ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि इस देश में, इस मुल्क में मुसलमान सबसे ज्यादा अपमानित हो रहे हैं। दूसरी तरफ मोहन भागवत साहब ये कहते हैं कि जब हम डरना छोड़ देंगे तब भारत अखंड हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम अहिंसा के पुजारी हैं लेकिन भीरू नहीं है, लेकिन डरपोक नहीं है, और अखंड भारत के नाम पर जिस दिन हम डरना छोड़ देंगे उस दिन ये भारत अखंड भारत हो जाएगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ राहुल लाल जी स्टूडियो में हैं,
राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दानिश कुरैशी भाई है विश्लेषक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ संजय राणा साहब है राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एस एन सिंह साहब बीजेपी प्रवक्ता सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सैयद जवाद जी भी हमारे साथ है मुस्लिम स्कॉलर, जवाद भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप ही के पास आएंगे दानिश भाई। आज आप देखिए, अभी एक नूह की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं। वो तस्वीर देखने के बाद इतना अंदर जोश आ रहा है ना, बच्चे सफेद टोपी सर पे लगा के एकदम दौड़ रहे हैं और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। वो तस्वीर देखने के बाद फिर जब हम वो बयान सुनते हैं ओवैसी जी का, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे आजादी की लड़ाई में जो मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी थे उनके योगदान को प्रधानमंत्री कभी चर्चा नहीं करते, याद नहीं करते हैं। और वो कह रहे कि मुसलमान सबसे ज्यादा अपमानित हिंदुस्तान में हो रहे हैं, ऐसा उनको क्यों लगता है? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आप जो ये स्क्रीन पे दिखा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तिरंगा मुसलमान उस वक्त लेके फहरा रहा है जब उसको फहराने के लिए कोड़े मारे जाते थे, जब अंग्रेजों ने इस मुल्क में जुल्म और ज्यादती बरपा कर रखा था। उस वक्त जब हर मदरसों से और दिल्ली की जामा मस्जिद से हर जुमे की नमाज के बाद जब जिहाद का ऐलान किया जाता था ब्रिटिशरों के खिलाफ, से उस दौर से लहरा रही, ये कोई नई बात नहीं है। बात इसकी नहीं है, बात इसकी है सम्मान और इज्जत की। उन्होंने जो कहा है, पूरा 34 मिनट के वक्तव्य में से आपने सिर्फ उनका एक स्टेटमेंट दिया है कि मुसलमान जो है अनसेफ है। तो नंबर ऑफ केसेस आप देख लीजिए, मॉब लिंचिंग क्या हुआ उसमें, और क्यों इस तरीके से सांप्रदायिकता की राजनीति देश में जो हावी होती जा रही है। कहीं ना कहीं मुसलमानों को उनके धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा किस तरह बुलडोजर चलाए जा रहे थे, किस तरह योगी सरकार काम करती है। अग्निवीर में जो दंगा धमाल हुआ उसमें तो नहीं चला बुलडोजर, अजय कुमार टेनी के घर तो नहीं चला। तो ये जिस तरीके, अभी आपको पता है, अभी दो दिन पहले बनारस में वहां के बीजेपी के उपाध्यक्ष उनका 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 अवैध निर्माण गिरा दिया गया उनका तो ऐसे फिर आपसे क्यों होते हैं? सुनिए जी, अरे सुनिए मेरी बात। मैं कहता हूं कि अवैध या वैध निर्माण करने का फैसला किसको है, अदालत को है या चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश? अब आप पलट रहे हैं अपने आप। जब आपने किसी धर्म से जोड़ा उसको तो मैंने कहा यहाँ धर्म नहीं, यहाँ कर्म देके इंसाफ हुआ है। अभी तुरंत परसों को दान दे दिया बनारस का। अच्छा सुनिए, बात कानून की करिए, बात सुप्रमैसी की या डिक्टेटरशिप की मत करिए। मैं ये कहता हूँ कि जो कानून का काम है वो कानून करेगा, जो सरकार का काम है सरकार करेगी। और सरकार जिस तरह से सांप्रदायिक नीतियों को प्रमोट कर रही है, उसी चक्कर में उसी चलते उन्होंने जो शब्द कहे वो ये कहे कि मुसलमानों को अपमानित किया जाता है, यहाँ गौ रक्षकों को सम्मान दिया जाता है, जो सुपर पुलिस बन के हर चौराहे पे खड़े, बताइए उनको कि इन्होंने सत्ता दे दी? क्या ये झूठ कह रहे हैं? और अगर ये झूठ कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी आए, आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमारे आजादी के मतवालों को आप धर्म में बांट देंगे, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को आप धर्म में बांटेंगे सर आप? तो वही तो कह रहे हैं, आप इंक्लूसिव करिए ना। आप क्यों मुसलमानों से परहेज कर रहे हैं? आप कौन परहेज कर रहा है? अभी तक भाई 75 साल आजादी हो गए, इतने मेहमान बैठे स्टूडियो में, कभी किसी ने हमारे आजादी के नायकों को धर्म में नहीं बांटा। सुनिए, सबसे बड़ा जो धर्म होता है ना वो हिंदुस्तान ही है। उन मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, उन मदरसों, अरे हमारे स्वतंत्रता सेनानी से मदरसों में कहां से आ गए भाई? आजादी में जंगे ओवैसी से आप कह रहे हैं कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे मुसलमान उनको 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 जो है याद ही नहीं करते। ठीक है, बाकी मेहमानों के पास चलते हैं। एस एन सिंह साहब आपके ऊपर आरोप है, वो कह रहे भाई लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी कभी नाम नहीं लेते हैं, क्या इस बार लेंगे? क्या अब हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है, आजादी के नायक है, उनको हम जाति और धर्म के तराजू पे तौलेंगे? अंजलि जी, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, आप देखे होंगे पूरे देश में जब भी आजादी का जश्न मनाया जाता है उसमें सबका नाम लिया जाता है, और जो भी वीर शहीद है उसमें जाति धर्म देखकर नाम नहीं लिया जाता। और मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं ये भी कह रहा हूँ, पूरे देश में सभी जिले मुख्यालय पे एक शिला पट होता है और उसमें उस जिले से जुड़े जितने धर्म के लोग शहीद हुए उनके भी नाम लिखे रहते हैं, और उस जिले के सभी लोग चाहे वो जिस जात के हों, जिस धर्म के हों, जिस संगठन के हों, प्रशासनिक अधिकारी हो, सब जाते हैं, उनको नतमस्तक होकर सलाम करते हैं। इसकी दिक्कत नहीं अंजलि भाई, दिक्कत जानते हैं क्या है? सवाल जिस पे उठाया जाना चाहिए उस पे नहीं उठ रहा है। कुछ ऐसे लोग जो पेपर की सुर्खियां बनने के लिए, किसी तरह से टीवी में आने के लिए कुछ भी बयान देते हैं। मैं कह रहा हूं आज हमारे बड़े भाई को अगर कमेंट करना चाहिए तो इस पे करना चाहिए कि जो ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की छूट दे दिया जाए, भारत में हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे ही नहीं, इस पे विरोध होना चाहिए। और इस बात पे विरोध होना चाहिए
जो बैठी साहब कहते हैं कि देश के संसद में तो मुसलमानों के खिलाफ कानून बनता है, इसका विरोध होना चाहिए। जो ये कहते हैं कि योगी मोदी नहीं रहेंगे तब हिंदुओं को कौन बचाएगा, मैं तो कह रहा हूँ आज जो आदरणीय मोहन भागवत साहब ने बयान दिया, बिना जाति धर्म को देखे अखंड भारत की परिकल्पना पे किया, और उन्होंने कहा कि जब आप डरेंगे नहीं तो 370 जैसी धाराएं हटेंगी। सर और भी मेहमान हैं, पहले राउंड में सबके पास एक बार चलते हैं। ओवैसी की ओवैसी के बयान से कितना इत्तेफाक रहते हैं उस पे आते हैं। जवाब भाई आपके पास आएंगे। ओवैसी साहब ने जो बयान दिया वो भी इस मौके पर जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हर घर तिरंगा लहरा रहा है, बड़े शान से किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, वो तिरंगा लहरा रहा है, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि हमारे मुसलमान जो आजादी के नायक थे उनको हमने भुला दिया। भाई किसको किसने भुला दिया? देखिए अंजीत भाई, पहले चीज तो आपने बताया मैं मुस्लिम स्कॉलर नहीं, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो ठीक है, इसको करेक्ट करवा लीजिए। बिल्कुल। दूसरी बात में मैं आता हूँ, जो आप बात उठा रहे हैं ओवैसी साहब की वाली। हाँ। देखिए ओवैसी साहब एक पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने जो बयान दिया है वो अपनी एक पॉलिटिकल राह भी शायद जो है वो तलाशना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता हो सकता उससे हो। लेकिन दूसरी बात मैं कहूँ कि आज जो तिरंगा यात्रा निकालने का जो प्रयत्न लिया गया है, आजादी के 75 साल मनाए जा रहे हैं, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि चलिए देर आए दुरुस्त आए। हाँ। हिंदुस्तान के अंदर जिस वक्त सेलुलर जेल के अंदर अगर आप उसकी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो 75% जो थे वो मुस्लिम समाज के लोग थे जो आजादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन एक ने भी किसी अंग्रेज से माफी नहीं मांगी, और उसी तिरंगे को लपेट करके अपने दिलों के अंदर, अपने जानों के अंदर जो है उन्होंने कुर्बानियां दी। आप इस इत्तेहाद को देखिएगा जा करके। लेकिन जिन्होंने विरोध करा 52 साल तक, मैं कहता हूं गलती हो गई उनसे, लगातार 52 साल तक जिन्होंने तिरंगा नहीं फहराया और उसको तिरंगे को एक्सेप्ट नहीं कराया, उनसे गलती हो गई। मैं बात कह रहा हूं, देर आए दुरुस्त आए, देर आए, ये हर डिबेट में मुद्दा उठता है, बिल्कुल उठेगा ये मुद्दा उठेगा सर। आप थोड़ा मेरा सवाल ले लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल सवाल लीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर 52 साल तक आपको क्या लगा उन्होंने क्यों नहीं तिरंगा फहराया, आप उसके पीछे क्या वजह देखते हैं? देखिए आप अगर गुरु गोलवालकर जी को पढ़ेंगे, चाहे हेडगेवार जी का, उन्होंने अभी जिक्र करा के सुन लीजिए, जो राष्ट्रीय ध्वज अपना तिरंगा है उसको नहीं एक्सेप्टेंस दी गई थी उस वक्त तक, और ना फहराने का रीजन भी आपको पता है? नहीं मुझे नहीं पता, बताइए, मैं दोस्तों को बताइए उसको, सुन लीजिए आप बताइए क्या। मैं बिल्कुल मैं बताता हूँ। देखिए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को जो है वो नहीं एक्सेप्टेंस दी गई थी। अच्छा। और किस झंडे को दी गई थी वो सबके सामने है, जिन्होंने कहा कि हम फलाने तिरंगे की जगह कौन सा झंडा फहराएंगे उसको चर्चा का विषय है, लंबी चर्चा उस पर होती है। दूसरी चीज मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, चलिए आएंगे आएंगे आपके पास, अटारी बॉर्डर चलते हैं। ये जोश है हमारे देश का, ये जोश देखिए आप, ये देखिए हमारे सेना के जवानों का जोश देखिए, हमारी सेना के जवानों का जोश हमेशा था। हाँ ये देखिए, इसको देखने के बाद देश को जवाब दो में आज हम एक अहम मुद्दे पर चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि आजादी का 75वां वर्षगांठ हम मना भी रहे हैं, और ऐसे मौके पर हमारे आजादी के नायकों को लेकर सियासत हो रही है, और ओवैसी साहब ने जो बयान दिया उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और राहुल लाल जी और संजय राणा जी हमारे साथ बने हुए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल जी आपके पास आएंगे, और ओवैसी साहब के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, क्या इसमें प्योर सियासत है? देखिए मैं उनके बयान को राजनीतिक दृष्टि से ही देखता हूं, क्योंकि देखिए 15 अगस्त 26 जनवरी और ये जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, तमाम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन सबों को हम लोगों ने बिल्कुल सबों को सिर माथे पे बैठा है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी आरोप लगा देती है कि भाई कांग्रेस वाले जो कांग्रेस खेमे से जुड़े हुए जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हीं को महत्व दिया गया इतिहास में, दूसरों को नहीं दिया गया। वो तो ये पूरा डिबेट जो लेके आए थे वो भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी ये डिबेट, कि इतिहास में कई लोगों को महत्व नहीं दिया गया, तो उसी का विस्तार भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ओवैसी जी की पार्टी, तो उन्होंने उसी का विस्तार कर दिया है कि भाई उसमें मुस्लिमों को जगह नहीं दिया है। आप अभी तमाम मुस्लिमों का नाम ले रहे थे, हम लोग तमाम उन स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग शामिल रहे हैं उन सबों को हम लोग जानते हैं, पूरा देश पूछता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज। लेकिन हाँ, आज के समय में जब आजादी का ये 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, मैं भी, जवाहर साहब ने बड़ी गंभीर चीज कही थी, मैं भी बहुत खुश हूं कि देर आए दुरुस्त आए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब 13 अगस्त को, यानी कि कल ही जब उन्होंने अपने डीपी पे लगा लिया उन्होंने तिरंगा, तो मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया कि भाई कम से कम 52 वर्षों बाद किसी की नींद तो खुली। जब प्रधानमंत्री तक आह्वान कर रहे थे और आरएसएस लग रहा था कि कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई, वो जगने वाली नहीं है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि 75वें वर्षगांठ पे अब सब आरएसएस ने झंडे को स्वीकार कर लिया। क्योंकि देखिए आप सवाल पूछ रहे थे लगातार कि आखिर क्यों नहीं फहरा रहे थे, वो
उनकी मनसा ही नहीं थी। आप देखिए उन्होंने कब फहराया, 15 अगस्त 1947 को फहराया, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और उसके बाद जब 2002 में नागपुर का 176 नंबर वाला केस, जब 2001 में जबरन जाके 3 लड़कों ने वहां पे झंडा फहराने की कोशिश की थी, तब वो पूरा घटनाक्रम है। 2002 में अभी ऐसा ना हमको वहां जाना पड़ जाए। राणा जी आप इसका जवाब दे दीजिए कि भाई ओवैसी साहब ने जो बयान दिया उसका भी, और जो ये कह रहे हैं कि भाई तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाता है। देखिए अंजित जी, ऐसा है कि ओवैसी साहब की अगर पार्टी का नाम देखेंगे तो मुस्लिमीन है, तो उसमें अगर आप उसमें ढूंढेंगे कि मुसलमानों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, वो उससे ज्यादा देख ही नहीं पाते। उनका जो चश्मा है एक तरह से घोड़े के जो लगा दिया जाता है दो चमड़ा, कि वो सिर्फ सीधे देखता, उसी तरह ओवैसी साहब है मुस्लिम से ज्यादा जान करता है ना। सर 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 कंप्लीट कर ले सर, वो उसी तरह देखते थे कि ऐसा हुआ कि उनका अगर पृष्ठभूमि देखेंगे, पूरा इतिहास देखेंगे, तो भाई निजाम के उधर से सोच वाले आदमी है जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते, तो हिंदुस्तान में अगर ये अमृत महोत्सव 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है तो उस पर तो उनको दुख होगा ही होगा। तो चाह रहे थे, हमें ये बता दीजिए एक भी जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी भी धर्म के हो, नाम बता दीजिए इसका किसी ने देशवासियों ने अनादर किया हो, एक नाम बता सकते। क्रांतिकारी शब्द अलग होता है और स्वतंत्रता सेनानी अलग होता है। आप बताइए, नेहरू जी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका योगदान है हमारे देश में, लेकिन वो क्रांतिकारी नहीं थे। अब आप राहुल जी से जवाब देते हैं, आपको 2014 से पहले योगदान नहीं था, आप बताइए किसी का नेता को योगदान नहीं था। हमारा कहने का मतलब यह है जो बंटवारे के समय इनकी हत्या हो गई 10 लाख लोगों को, मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। मैं 1.5 करोड़ लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जो बंटवारे के समय अपना सब कुछ खो दिए। अरे भाई अभी अफगानिस्तान में ऐसा करेंगे, कांग्रेसियों के साथ प्रॉब्लम है। ये अपने महत्वाकांक्षा में इतने डूब गए थे, सवाल पूछेगा, सवाल एक ले लूं आप, सवाल मुझे बताइए कांग्रेस की विचारधारा से देशभक्त निकले जिन्होंने देश की आजादी के लिए बड़ी जंगें और लड़ाइयां तरीके से लड़ी, और सभी लोग जो हैं कांग्रेस की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, आरएसएस की विचारधारा से कितने लोग निकले? आंसर ले लीजिए, 10 लोगों का नाम आप आंसर ले लीजिए। पहली बात सुन लीजिए, देखिए पहली बात आप लोग को, एक कांग्रेस जो होती है ना, कांग्रेस पार्टी और बताइए, पहली बात कांग्रेस पार्टी नहीं होती, कांग्रेस क्या होता, समूह ऑफ पीपल होता। राहुल गांधी वाली पार्टी, राहुल गांधी पार्टी थी क्या, वो कैसी बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी की जो राहुल जी सुनिए, अगर अरे भाई साहब, अरे अभी आप सुनो, राणा जी, आप तीनों एक साथ बोले, दर्शक कुछ नहीं समझ पाए, आप क्या सवाल उठा रहे थे, अगर एक एक, नहीं मेरी बात सुनिए, आप सवाल उठा रहे हो ठीक है, अगर एक एक करके बोलते भी तो दर्शक समझते भाई जवाद भाई ने कोई बहुत पॉइंट उठाया,
क्या फायदा हुआ आपने हल्ला गुल्ला करके, सब दर्शक समझ नहीं पाए आखिर हुआ क्या था। ठीक है ठीक है, देखिए धनुष भाई, धनुष भाई देखिए सवाल उठ रहा था ऐसे मौके पर ये जाति धर्म वाली सियासत नहीं, क्योंकि भाई राहुल गांधी ने बोल दिया भाई बीजेपी ने कहा कि भाई सिर्फ जो है कांग्रेस के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका जिक्र होता है, आपने कह दिया कि भाई मुसलमानों का जिक्र नहीं होता है, तो आप भी तो वही बीजेपी वाला ही काम कर रहे हैं। राहुल जी यही आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। देखिए मैं दो मुद्दों पे बात करूंगा। एक तो मोहन भागवत जी ने जल कल जो कहा है कि अखंड भारत कब होगा, तो जब हम दुर्बलता छोड़ देंगे या डरना छोड़ देंगे तब होगा। मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री जी को सीधा इशारा है कि जिस तरह लद्दाख में गलवान में चीन घुसा है, अच्छा, उसके अच्छा। सामने कमजोर या डरने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर की बात, असदुद्दीन अच्छा, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है ये कहने में कि चीन घुस गया है, अभी हमारे जवानों ने मार के भगाया था, अभी हमारे जवानों ने मार के भगाया था, ठीक है तब तब नहीं 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 आप लोग बहुत मजा आता है ये कहने में कि चीन घुस गया है, ये ठीक है। आज कम से कम आज के मौके पर देश का नाम ले लीजिए राहुल जी, आज चीन के भक्ति में रहेंगे, ये देखिए वो तस्वीर देखिए, हमारे वीर जवानों की तस्वीर देखिए, सुनिए सुनिए वो वीर जवानों की तस्वीर देखिए, और चीन को सलामी, और चीन को सलामी करना, ना 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 राहुल लाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो देखिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहेगी, लेकिन ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की आजादी में हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान था, और आज हर कोई उनको नमन कर रहा है, लेकिन उनको जाति और धर्म में कोई नहीं बांट सकता, वो हमारे लिए आदरणीय है और आज हर कोई उनको नमन कर रहा है। जय हिंद।